हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया जो हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि जितने भी ज्योमेट्री के बेसिक चीज़ें होती है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं, फिर बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। इसके अंदर एक ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट होता है, जैसे कि आपने ये पॉइंट देखा होगा, ये भी पॉइंट आपने देखा है। तो ये क्या है, ये सब पॉइंट है जो कि हम देखो कंपास से भी हम पॉइंट लगा सकते हैं, पेंसिल से भी लगा सकते हैं, या किसी निडल से भी हम पॉइंट करते हैं, ठीक है। और जब भी हम ज्योमेट्री के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट लगाते हैं उसको हम नेम देते हैं, ए बी या ई, कुछ भी नेम आप उसको दे सकते हो, लेकिन जहाँ पर भी पॉइंट हो वहाँ पर हम उसको नेम देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए अगर हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, इसका जो मेजरमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि जो भी हमें जितना भी मेजरमेंट दिया जाता है हमें उतने ही सेंटीमीटर की लाइन जो है उसको ड्रॉ करना होता है। अब हमारे दोनों साइड पर इसके पॉइंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अब ये जो लाइन है हमारी यहाँ से आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती और ना ही हमारी यहाँ से ये एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि दोनों साइड से हमारी ये लाइन जो है एक्सटेंड नहीं हो सकती। लाइन सेगमेंट का मतलब यही होता है, जितने सेंटीमीटर आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है आपने उतने ही सेंटीमीटर करनी है, उसके बाद वो दोनों साइड से जो है आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। अगर 3 सेंटीमीटर बोला गया है तो आप 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर बोला गया है तो आप 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, जितने भी सेंटीमीटर आपको बोला गया उतने ही सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वो आगे जो है एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों साइड पे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लाइन की बात करें तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस होता है कि लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर लाइन है, अब आपको बोला जाता है कि इसको एक्सटेंड करना है तो आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन में क्या होता है कि जब आप लाइन आप ड्रॉ करते हो तो उसके साइड पे एरो आता है, दोनों साइड पे। इसका मतलब एरो का मतलब ये है, इससे हमें पता चल रहा है कि आप दोनों साइड पे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, आपकी जो है फिक्स लाइन होती है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये आपका जो है लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। अब आ जाता है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो एक दूसरे को काटती हैं इस तरीके से, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ठीक है। ये लाइन जो होती है जो एक पॉइंट के ऊपर दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को काटती हैं वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पर एल लाइन जो है वो कट कर रही है L1, और दूसरी जो हमारी L2 है ये भी इसके ऊपर कट कर रही है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्रॉसिंग रोड पे होती है, जैसे कि इधर से भी जो रोड आ रही होती है, इधर से भी रोड आ रही होती है, तो इस पॉइंट पे आके ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स है, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट पे। जो हमारी नोटबुक होती है या बुक होती है तो उसका जो जैसे इस टाइप की बुक होती है हमारी इधर से, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको अगर इधर से एक्सटेंड करें और इसको अगर इधर से एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आगे जाके नहीं मिलती, जैसे कि रूलर। अब ये लाइन आ रही है इसकी, ठीक है, ये लाइन आ रही है यहाँ से, अगर मैं इसको अब आगे बढ़ाऊँ, आगे एक्सटेंड करूँ, तो जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करूँ वो पैरेलल ही चलती रहेगी, ये नहीं कि वो आगे जाके मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो पैरेलल लाइंस वो होंगी जो आगे जाके मिलती नहीं है, जैसे कि ये जो रेलवे लाइन होती है वो सीधा 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 जाती रहती है, ऐसा नहीं होता कि वो आगे जाके मिल जाती हैं दोनों, नहीं होता ना। तो वो जो लाइंस आगे जाके आपस में मिलती नहीं है और एक ही पैरेलल जो हैं लगातार एक साथ जो है इस टाइप से चलती रहती हैं, वो लाइंस जो हैं हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। उसके बाद आ जाता है रे। रे क्या होता है, रे जो होता है वो वन साइड होती है, जैसे कि सन की रेज। अब सन की रेज जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, वापस तो नहीं जा रही सन के पास, नीचे की तरफ आ रही है। टॉर्च में से जो रे निकल रही है वो आगे की तरफ आ रही है, वन साइड, वो कितना भी आगे जा सकती है, उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो वन साइड, चाहे आप इस साइड एक्सटेंड करो चाहे आप इस साइड एक्सटेंड करो, लेकिन वो होगी वन साइड, दूसरी साइड उसका पॉइंट आ जाएगा और वन साइड जो है उसका एरो आ जाएगा इस टाइप से। अब ये जो है यहाँ पर तो इसका पॉइंट आ गया, आगे इसका ये एरो है, तो यहाँ से आप इसको कितना भी एक्सटेंड करो, अगर यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर है पॉइंट,
यहाँ से आप इसको कितना भी एक्सटेंड करो आगे की तरफ। रे जो है वो वन साइड एक्सटेंड होती है, ठीक है। लाइन जो है वो दोनों साइड एक्सटेंड होती है। रे जो है वो वन साइड एक्सटेंड होती है, और लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों साइड एक्सटेंड नहीं हो सकती, वो फिक्स होती है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा 4.1 का हो गया जितना भी हमने बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कर्व। कर्व क्या होता है, ये आप पिक्चर्स देख रहे हो, ये पिक्चर्स जो हैं ये किस चीज़ की है, कर्व की है। ये सब कर्व है, लेकिन इसमें से कुछ, जैसे कि ये देखो, ये हमारा ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो ये हमारा ओपन कर्व है, ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है, ये हमारा ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है। तो ये सब कर्व है, लेकिन सिर्फ ओपन और क्लोज्ड कर्व को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ये क्या है हमारा ओपन कर्व है, और ये क्या हमारा क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। आप कोई भी शेप बना सकते हो, वो आपकी कर्व में आ जाती है। अब यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ अ फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें कुछ पॉइंट अंदर की साइड है और कुछ पॉइंट बाहर की साइड है। तो जो अंदर की साइड है वो इनसाइड है, जिसको हम इंटीरियर बोलते हैं, जो बाहर की साइड है वो आउटसाइड है, जिसको एक्सटीरियर बोलते हैं, और जो बिल्कुल इस फिगर के ऊपर है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री के ऊपर, ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये आप देख रहे हो, ये आपके पॉलीगन्स है। पॉलीगन जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, ठीक है। अब आप इसको कोई भी शेप दे दो, ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन से इस टाइप से बन जाएगा, बस उसके अंदर कर्व नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कर्व आ गया वो आपका पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे बता रखा है पॉलीगन क्या है, ए फिगर इज़ अ पॉलीगन इफ इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर होती है मेड बाय एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट से बनती है। जो पॉलीगन होता है, देखो ये भी लाइंस हैं, इसमें इधर भी लाइंस हैं, ये भी लाइंस हैं, यहाँ पे लाइन तो है लेकिन साथ में कर्व है, ये भी लाइन है। तो ये सब जो है हमारे क्या है, पॉलीगन्स हैं, लेकिन उसमें बस कर्व नहीं होना चाहिए और फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा पॉलीगन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, देखो एंगल्स ना इस टाइप से होते हैं, ये भी हमारा एंगल है, ये भी हमारा एंगल। एंगल जब हम बनाते हैं ना, एक हमारा सबसे पहले पॉइंट, यानी कि इस जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, एक पॉइंट से हमारी कुछ रेज निकलती हैं, जिसको हम आर्म्स भी बोलते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हमारा अब एंगल बन गया, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया, इसको ओ नेम दे दिया, इसको ए नेम दे दिया, इसको हमने बी नेम दे दिया, तो हमारा ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल ए ओ बी। जब एक वर्टेक्स से हमारी दो रेज या तीन रेज, देखो अब इसमें एक वर्टेक्स दे रखा क्या, पी, अब P से हमारी पी ए भी जा रही है, पी बी भी जा रही है, पी सी भी जा रही है, ठीक है। अब ये क्या हमारे एंगल है, अब एक वर्टेक्स से हमारी जब आर्म्स या फिर रेज कहते हैं निकलती हैं, उसको हम उससे फिर हमारे एंगल बन जाते हैं। अब इसमें एक एंगल बन रहा है ए पी बी, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल बन रहा है पी बी सी, दूसरा एंगल ये बन रहा है, जो हमारे, तो ये हमारे इस तरीके से एंगल बनते हैं, जिसमें हमारे वर्टेक्स होता है और जिसमें हमारी रेज होती हैं, इस टाइप से हमारे एंगल्स बन जाते हैं, उनको हम नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक एंगल है देखो ए ओ बी, अब ये हम इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं और इसको हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों में जो ओ है वो हमारा बीच में आएगा, ठीक है, बीच में आएगा ओ। तो ओ जो हमारा, जो हम बीच में आ रहा है, इसका मतलब हम ओ के बारे में बता रहे हैं कि जो एंगल ए ओ बी जो हमारा पूरा कंप्लीट है और ओ के ऊपर हमारा एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपने याद रखना है, ये जो पॉइंट्स होते हैं एंगल के अंदर, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं और इनको हम रेज या आर्म्स कहते हैं, जिससे हमारा एंगल बनता है। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे से इसको हम समझेंगे। चैप्टर 4.3 में हमारा यही दे रखा है, और जो है इसमें ये भी बता रखा है कि देखो जैसे एंगल होते हैं ना, तो कुछ एंगल्स के अंदर इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, और कुछ एंगल के ऊपर पॉइंट होते हैं, ये बस इतने सिंपल सा यही बता रखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल भी जो है एक तरह का थ्री साइड पॉलीगन होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड है, तो इसको हम पॉलीगन भी कह सकते हैं, थ्री साइड पॉलीगन। इट इज़ अ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड, ठीक है। सबसे कम, मिनिमम तीन जो हैं हमारे पास साइड्स होनी चाहिए, तीन साइड होनी चाहिए, तभी हम जो हमारा पॉलीगन बनता है, और ट्राइंगल भी हमारा थ्री साइड से ही बनता है, तो उसको हम थ्री साइड पॉलीगन भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें ये बताया हुआ है कि इसमें देखो कुछ हमारे एंगल्स बन रहे हैं, कुछ हमारी साइड्स हैं। अब इसके अंदर हमारी एक साइड बन रही है ए बी, दूसरी हमारी बन रही है बी सी, और तीसरी साइड हमारी इसमें बन रही है ए सी,
तीन साइड्स हैं इसमें, और उसके ऊपर देखो हमारा ये सिंबल लगा हुआ लाइन का, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हो रही है, एरो लगे हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है लाइन का सिंबल यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। ए बी एक साइड है, बी सी और सी ए हमारी एक लाइन है। अब इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक एंगल वैसे जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स होता है वो हमारा एंगल होता है, ए बी सी तीनों हमारे एंगल है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। अब बी हमारा बीच में है तो इसका मतलब हमने एंगल बी की बात कर रहे हैं। दूसरी बार हम लिखेंगे एंगल ए, दूसरी बार लिखेंगे बी सी ए। अब हम एंगल सी की बात करें क्योंकि सी बीच में आ गया। अब हम लिखेंगे सी ए बी, एंगल सी ए बी, ठीक है। अब हम एंगल ए की बात करें, तीनों एंगल्स बीच में आ गए, एक बार बी आ गया, एक बार सी आ गया, एक बार ए आ गया, इनके हमने तीनों एंगल के बारे में बता दिया, ठीक है। इस तरीके से हमें एंगल्स बताने होते हैं, और इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ इंटीरियर होते हैं, कुछ एक्सटीरियर होते हैं, और कुछ उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4.4 का हमने कर लिया। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर जो होता है ना फोर साइड पॉलीगन हम उसको बोल सकते हैं, जैसे ट्राइंगल को हम थ्री साइड पॉलीगन बोलते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेटर को हम फोर साइड पॉलीगन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, देखो इसमें भी साइड्स हैं, डी सी एक साइड है, डी ए साइड है, ए बी एक साइड है, और बी सी भी एक साइड है, लाइन है, इसलिए यहाँ पे देखो उसके ऊपर ये सिंबल लगे हुए हैं। और एंगल कौन कौन से हैं इसमें, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और एंगल डी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी, एक बार एंगल बी की बात हो रही है, एंगल बी सी ए, एक बार एंगल सी की बात हो रही है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अब हमारा, इसके अंदर अब हमें तीन चार चीज़ें सीखनी है। एक हमें सीखना है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये चार चीज़ें हमें सीखनी है। तो ऑपोजिट एंगल होते हैं सिर्फ ए है, ए का ऑपोजिट क्या है, एंगल सी, और एंगल डी का ऑपोजिट क्या है, एंगल बी, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल तो हमारे ये होते हैं। अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि ए बी के ऑपोजिट क्या है, डी सी है, सी बी के ऑपोजिट क्या है, डी ए, मतलब उसके सामने वाली लाइन, उसको हम ऑपोजिट लाइन बोलते हैं। डी सी के ऑपोजिट ए बी, सी बी के ऑपोजिट डी ए, ये इसकी ऑपोजिट लाइन है। अब हमने ऑपोजिट एंगल भी समझ लिए, ऑपोजिट साइड्स भी समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं। एडजेसेंट साइड वो होती है जो एक वर्टेक्स से दो साइड निकलती है, जैसे ए एक वर्टेक्स है, अब इसमें से ए बी साइड भी निकल रही है और ए डी साइड भी निकल रही है। तो जो ए बी है वो ए बी एंड ए डी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरीके से बी से देखो, बी सी और ए बी, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। अब सी से देखो, सी डी और सी बी, ये एडजेसेंट साइड हैं। अब यहाँ से एडी और डीसी, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमारे एक लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। जैसे एंगल सी और एंगल बी, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब क्या है, एंगल डी और एंगल सी, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हमें समझ आ गया एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, जो हमारी एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं, और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे एक ही लाइन पे दो एंगल बनते हैं, ठीक है। और ऑपोजिट तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम पढ़ लेते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर हमें कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। एक सर्कल होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, यहाँ पे बना लेती हूँ, ये एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो हमारे सेंटर पॉइंट से हमारे सर्कल को टच करता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है, यानी कि सर्कल के सेंटर से सर्कल को जो टच करता है वो हमारा रेडियस होता है। अब हम देखते हैं डायामीटर क्या होता है। डायामीटर जो होता है वो हमारा जो सेंटर होता है ना, उसको क्रॉस करके दोनों सर्कल के जो होते हैं उन दोनों को टच करता है, दोनों पार्ट्स को, जो दोनों सर्कल के
दोनों साइड्स को टच करता है लेकिन सेंटर में से होकर निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, सेंटर समझ में आ गया, रेडियस समझ आ गया और डायामीटर। जो रेडियस होता है ना वो डायामीटर का हाफ होता है। हाफ दिख रहा है ना, देखो ये कंप्लीट पूरा है और ये हाफ है, यानी कि ये डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। और रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस का जो डबल होता है वो हो जाता है डायामीटर। रेडियस का डबल डायामीटर और डायामीटर का हाफ रेडियस होता है। ये चीज़ समझ आ गई, तीन चीज़ें, पहली सेंटर, दूसरा रेडियस, तीसरा डायामीटर। और क्या होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होती है कोड। कोड क्या होती है, कोड जो हमारे सर्कल में किसी भी साइड हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस साइड हो सकती है। जो कोड होती है वो सर्कल के दोनों हिस्सों को आपस में ज्वाइन करती है। जिस तरह से हमने इसको इस पॉइंट पे इसको हमने ए नेम दे दिया, एक इस पॉइंट पे जिसको हमने बी नेम दे दिया, इसको सी नेम दे दिया, इसको डी। तो ये जो है हमारी जब दो पॉइंट को टच करती है आपस में तो उसको हम कोड कहते हैं, और वो हमेशा हमारी इस तरीके से साइड में होती है। लेकिन कई बार जो हमारा डायामीटर होता है ना वो भी हमारी एक तरह से कोड है। ठीक है, डायामीटर को हम कोड भी कहते हैं। जो डायामीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, क्योंकि वो भी दोनों साइड को टच कर रही है सर्कल के, और वो भी इसी तरीके से बनी हुई है जैसे ये बनी हुई है, उसी तरीके से कोड भी जो है वो बनी, डायामीटर भी उसी तरीके से बना हुआ जैसे कोड बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि डायामीटर हमारा सेंटर से होकर निकलता है, कोड हमारी इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो डायामीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं, लेकिन कोड को हम डायामीटर नहीं कह सकते क्योंकि डायामीटर हमेशा सेंटर से होकर निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारा सेंटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया, डायामीटर भी हो गया, कोड भी हो गया। अब हमें समझना है इसके अंदर, और देखो एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पे ना इस तरीके से कहीं पे भी हम आर्क हो सकते, सर्कल है, सर्कल के अंदर आप कहीं पे भी जो है आर्क सर्कल के ऊपर हो सकता है आप यहाँ लगा, यहाँ पे भी हो सकती है आर्क, उसको नाम दे दो पी क्यू, हो सकता है वो यहाँ पे भी हो तो उसको नाम दे दो ए बी, कि ये आर्क होती है उसके ऊपर इस टाइप से। अब हम दो चीज़ें और समझ लेते हैं, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है सर्कल के अंदर। सेक्टर वो होता है जब जहाँ पे आपके दो रेडियस, एक रेडियस आपका ये है और जब दो रेडियस बन रहे हो साथ में एक आर्क आ रही हो तो उस पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे समझें और ज़्यादा। और सेगमेंट वो होता है जिसमें एक आर्क आ रही हो और साथ में एक कोड हो, तो ये हमारा बन जाता है सेगमेंट। जहाँ पे भी आर्क और कोड होगी वो हमारा सेगमेंट होगा, और जहाँ पे भी दो रेडियस और आर्क होगी वो पोर्शन हमारा सेक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें मेन जो हमने इसके अंदर समझ ली है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।